namaskar friends as you know the cabinet met today to brief you on the important decisions taken by the cabinet we have with us honorable minister of information and broadcasting and youth affairs and sports the Singh Thakurji. my warm welcome to the honorable minister sir over to the honorable minister for the briefing now please sir namaskar mitro आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें प्रमुख जो निर्णय लिए गए उनसे मैं आपको अवगत करवाने के लिए आया हूँ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच भी है कि जिसके माध्यम से देश के गरीबों को पक्का मकान देने की सुविधा दी जाए और जिसका 2016 में जब शुरुआत की गई तभी आंकलन किया गया था कि लगभग दो करोड़ पचानवे लाख लोगों को पक्के मकान की आवश्यकता है और जिसकी स्वीकृति भी दी गई थी जिसमें से अब तक नवंबर 2021 तक एक लाख पैंसठ हज़ार आवास एक करोड़ पैंसठ लाख आवास बनाकर दिए जा चुके हैं और सभी जो पात्र परिवार थे उनको इसके पैसे का भी दिया गया है जो बाकी शेष बचे हुए परिवार हैं वो भी अपने पक्के मकान बना सके इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है अब तक इस पर एक लाख सतानवे हज़ार करोड़ रुपया व्यय हुआ है मार्च 2021 तक एक लाख सतानवे हज़ार करोड़ पे इसके ऊपर व्यय हुआ है जिसमें से केंद्र सरकार ने एक लाख चवालीस हज़ार एक सौ बासठ करोड़ रुपया खर्च किया और इसके अतिरिक्त आज जो मंजूरी दी गई है ताकि शेष बचे पक्के मकान जो बनकर लोगों को तैयार करके दिए जा सकें इसके लिए दो लाख सत्रह हज़ार दो सौ सत्तावन करोड़ रुपये की मंजूरी आज दी गई है ताकि 2024 तक जो शेष परिवार हैं उनको भी पक्का मकान बनाकर दिए जा सके इसमें से केंद्र सरकार का कुल खर्च एक लाख तरतालीस हज़ार सात सौ बयासी करोड़ रुपये होगा और इसमें से नाबार्ड को लोन के लिए रीपेमें जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके लिए भी अठारह करोड़ रुपये इसमें शामिल है यही नहीं इस योजना के साथ साथ जो पहाड़ी राज्य हैं हिमालयन स्टेट्स हैं या जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनकी 90-10 90 परसेंट 90 और 10% परसेंट रेशों के आधार पर इनको पेमेंट की जाती है जबकि बाक़ी केंद्र और राज्यों का सिक्सटी और फोर्टी परसेंट का अनुपात रहता है और यूनियन टेरिटरीज पर सौ प्रतिशत इस पर पैसा खर्च किया जाता है शौचालय बनाने के लिए बारह हज़ार रुपया शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से दिया जाता है जो इस भवन निर्माण के अलग है इसके अलावा मनरेगा की ओर से नब्बे दिन के वेज की सहायता भी इनको दी जाती है और पहाड़ी राज्यों में इसको पचानवे प्रतिशत पचानवे दिन का किया जाता है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हिमालयन स्टेट्स हैं और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है इसके लिए पचानवे दिन का वेज के बराबर की सहायता इनको प्रदान की जाती है अब इस योजना के साथ साथ हर परिवार के लिए पक्का मकान पानी बिजली और शौचालय उपलब्ध करवाने का संकल्प भी पूरा होता है ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय है कि जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक जारी रखने के लिए ग्रामीण को जारी रखने के लिए निर्णय लिया गया दो लाख सत्रह हज़ार दो सौ सत्तावन करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च आएगा इसके अलावा जो दूसरी योजना है जिसको आज मंजूरी दी गई अटल जी के समय भी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में बात होती थी उसके बाद जब दूसरी सरकारें आई तो उसमें कुछ विलंब भी हुए ऐसे ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जिसको आज मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 44,605 हजार छः सौ पाँच करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है ये राष्ट्रीय परियोजना होगी और इसमें केंद्र सरकार का कुल योगदान 90 प्रतिशत होगा ये प्रोजेक्ट आठ वर्षों में पूरा किया जाएगा और जब जैसा मैंने कहा कि चवालीस करोड़ रुपये इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 90 परसेंट यानी कि उनचालीस करोड़ रुपये रहेगा इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा यहाँ के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या से यानी कि जहाँ पर पानी का अभाव है ऐसे प्रभावित ज़िले जिनमें उत्तर प्रदेश के बांदा महोबा, झांसी एवं ललितपुर और मध्य प्रदेश के टीप टीकम, टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना सागर दमोह और दतिया के निवासियों को काफ़ी लाभ होगा इसके अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा शिवपुरी और रायसेन जिलों में भी जल की आपूर्ति की जाएगी इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा न केवल पेयजल की बल्कि सिंचाई की योजनाओं का भी इससे लाभ मिलेगा इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल दस लाख बासठ हज़ार दस लाख बासठ हजार हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य होगी और लगभग बासठ लाख जनसंख्या के लिए पेयजल की आपूर्ति की जा सकेगी अब ये दस लाख हेक्टेयर भूमि जो है इसमें से आठ लाख ग्यारह हज़ार हेक्टेयर मध्य प्रदेश में है और दो लाख इक्यावन हज़ार हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में सिंचाई योग्य होगी जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था पानी की व्यवस्था इसके माध्यम से की जाएगी उत्तर प्रदेश में दो नए बराज बनाने के लिए इसके माध्यम से बनेंगे जहाँ पर एक लाख छब्बीस हज़ार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था विकसित की जाएगी इसी प्रोजेक्ट में 103 मेगावाट पन बिजली परियोजना के माध्यम से 103 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी और 27 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा मध्य प्रदेश में केन नदी पर दौधन ग्राम में एक बांध का निर्माण किया जाएगा और यहां से एक किलोमीटर की लिंक कनाल का निर्माण किया जाएगा जो केन और बेतवा नदियों को जोड़ेगी उत्तर प्रदेश में भी जैसा मैंने कहा कि बरियारपुर के पास दो नए ब्राजेस का निर्माण किया जाएगा और इससे कनाल पाइपलाइन और कमांड नेटवर्क का निर्माण करके सिंचाई और पेयजल की योजनाओं को पूरा किया जाएगा मित्रों तो आप भलीभांति जानते हैं कि किस तरह से बुंदेलखंड के क्षेत्र में सिंचाई तो दूर पीने के पानी की भी समस्या होती थी और इस बड़ी परियोजना के माध्यम से जहां चवालीस करोड़ रुपया ये केन बेतवा नदी परियोजना के लिए मंजूर किया गया है इससे बुंदेलखंड के इलाके में कृषि के क्षेत्र में भी विकास होगा तो बाकी भी संपन्नता समृद्धि जब पानी आता है तो उससे हो ही जाती है तो ये दो बड़ी योजनाएं जहां एक और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मंजूरी 2024 तक जारी करने के लिए की गई है जिसके ऊपर दो करोड़ रुपया खर्च होगा तो दूसरी और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को चालीस करोड़ रुपए की मंजूरी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है थैंक यू सर वील नाउ टेक सम क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन सर आज कैबिनेट की बैठक हुई जिस तरह से कन्नूर में जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ है उस पर क्या कुछ चर्चा हुई सर इसके बारे में जानकारी देंगे देखिए जो दुर्घटना हुई उस पर पूरी जानकारी संबंधित मंत्रालय उचित समय पर आप तक पहुंचाएगा मैं केवल कैबिनेट में जो आज निर्णय किए गए हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने के लिए जिसके ऊपर दो लाख सत्तारह हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च होंगे और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो पेयजल और सिंचाई योजना और साथ में पन बिजली परियोजना और सोलर प्रोजेक्ट को भी पूरा करेगी चौलीस हजार छह सौ पांच करोड़ रुपये उसके ऊपर खर्च होगा उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं okay. आगे बढ़ाने की मंजूरी प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है इसके पीछे क्या वजह माना जाए इसका दायरा हम लोग बढ़ा रहे हैं या फिर जो टारगेट रखा था तो उस टारगेट से थोड़ा पीछे चल रहे इस वजह से ऐसा करना पड़ा आपने बहुत अच्छा इसमें प्रश्न किया है अगर आप देखिए तो पिछला डेढ़ वर्ष एक तरह से पैंडेमिक के कारण भी दिक्कत थी कुछ राज्यों से सूचियों का ना आना या वहाँ पर लागू इसको ना करना एक वो भी विलंब का कारण था दूसरा हमने इस पर एक मोबाइल ऐप आवास प्लस भी बनाई जिसके माध्यम से हमने एक सर्वे किया और एलिजिबल यानी कि जो पात्र परिवार हैं उनकी भी पहचान की गई तो ऐसे परिवार भी जो पहले नहीं लिस्ट में आए उनका भी नाम आया है ताकि कोई भी गरीब ऐसा ना रहे जिसके पास पक्का मकान ना हो या कच्चा मकान भी होगा जिसकी दीवारें नहीं हैं तो उनको भी पक्का मकान बनाकर दिया जा सकता है जिसके पास दो कमरों से कम है उनको पक्का मकान बनाकर दिया जा सकता है ऐसे पात्र लोगों को भी आवाज प्लस ऐप के माध्यम से भी जानकारी जुटाई गई है और इसलिए पैसा और भी इसमें इसमें प्रावधान इसका किया गया दो लाख सत्रह हजार करोड़ थैंक यू सर सर आपने दो महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बताया क्या किसी बिल के बारे में भी चर्चा हुई आज कैबिनेट में जो अगले सप्ताह में पार्लियामेंट में आ सकता है मेरा विचार करेंसी के बारे में जाना एज द पार्लियामेंट इन इज प्रोग्रेस देखिए आप सबको पता ही है जब पार्लियामेंट है तो उस पर जो आने वाले बिल हैं उसकी एक सूची लंबी आपके पास है उसमें सरकार का प्रयास यही रहता है कि दोनों सदन शांतिपूर्वक चलें, बिलों पर चर्चा हो और जनता से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हो और निश्चित तौर पर आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे बिल भी आने वाले हैं एक एक करके उसकी जानकारी जैसे ही उसकी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा उसको पार्लियामेंट में ला डिबेट करके पास भी करेंगे कैबिनेट की प्रक्रिया तो है ही बिल वहां से पास होकर फिर उसके आगे भी प्रक्रिया है पार्लियामेंट में आने तक की यहां की प्रक्रिया पूरी होगी अगली प्रक। पूरी हो आप किसी स्पेसिफिक बिल की पूछ रहे हैं तो अलग है ऐसे तो कई बिल कैबिनेट में आते नहीं। नहीं। हैं नहीं अगर ऐसी कोई जानकारी होती मैं आपको देता मीडिया के मित्र क्रिप्टो में काफी हैं धन्यवाद थैंक यू वेरी मच सर मुझे लगा आप आवास तो तो योजना पे तो गरीबों तो के बारे में कोई प्रश्न पूछेंगे या फिर कोई तो 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 इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो वर्षों वर्षों से नहीं हो पाई उसके बारे में पूछेंगे ये भी आपको एक शुभ समाचार